अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक रहें और अल्लाह पाक करे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, जल्दी से जो न्यू है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने किया उनके बहुत बहुत शुक्रिया। चले यार, ये मैं बना रही हूँ दाल आज, काली दाल। मैं किस तरह बनाती हूँ वो पूरा रेसिपी देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरी अपनी रेसिपी किस तरह होता है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही जायकेदार होती है। ये मैंने दाल को थोड़ी सी गला लिया था पानी में, इसलिए टाइम इतना नहीं होता। ये देखें अभी इसमें और भी गलेगा, मसाला डलेगा, ठीक है। ये इतना पानी डाल लिया इसमें अभी, ताकि ये मसाला डालूंगी पानी गल जाए। नहीं करो बेटा, क्या क्या डालूंगी वो दिखाती हूँ आप लोगों को। माचिस गीली हो गई है मेरे से, अभी अभी जो डाला है गिलास में। अब मैंने लहसुन अदरक और कुटी यानी कि हरी मिर्च कूट के ये डाला है और दाल को बॉईल किया और कुछ भी नहीं डाला, माचिस नहीं जल ली। ये देखें दाल को मैंने गला लिया था, अब मैंने इतना पानी डाल दिया, सही है, लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च कूट के डाल दी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक जाएगा इसमें एक चम्मच, आधे आधे चम्मच करके यानी कि इतना डाल दी, इसलिए चख के डालूंगी नमक। तो लाजमी बाद में चख के डल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाए तो निकल नहीं सकता, ठीक है ना। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी। हल्दी हर खाने में क्यों डलती है? नहीं, किसी में डलती है, किसी में नहीं डलती। दाल में तो डाले भी नहीं डाले, उनकी अपनी मर्जी होती है। खाने को हर चीज़ों की जो है जान कर ही छाना बहुत मुश्किल और बहुत ज़रूरी होता। हंसी आ गई है हानिया को, रखनी चाहिए हर चीज़ों की जानकारी, अच्छी बात है। अच्छा, ये भी जितनी अब पढ़ाई में भी दिया और तो फिर अभी ये डाल ली मैं, पीसी मिर्ची एक चम्मच। अच्छा, ताकि ये स्मेल ना हो ये मसालों की, मसाला अच्छी तरह इसकी साथ ही जब सुझा। ये डाल दिया मैंने पीसी धनिया, ठीक है, नमक पीसी मिर्ची पीसी धनिया हल्दी ये डाल दी, ठीक है। अब मैं इसमें यानी कि थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के कैप लगा के गलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसमें क्या क्या जाएगा, क्या क्या डालूंगी वो हम आप मेरे साथ जुड़े रहे मिलता रहेगा। इसका कैप दो बेटा, आज संडे की दिन है, कैसे रहा आप लोगों की सारा और संडे की दिन ज़रूर बताइएगा, कमेंट पर बताइएगा। और मुहर्रम की चांद नज़र भी आ गए, हम दोस्त का महीना है ये, हमारी हसन हुसैन इमाम हसन हुसैन, और इनकी बहुत ही मुश्किल टाइम था, अफसोस का महीना है बहुत ज़्यादा, इबादत का महीना है, अफसोस का महीना, ठीक है। बर्तन धो लिए अभी, ये देखिए बेटा टमाटर डाल लिया अब मैं इसमें, टमाटर और नींबू डालूंगी सिर्फ, तो नींबू और टमाटर ये देखें, तीन टमाटर डालिए। मैं टमाटर डालती हूँ इसमें, लोग डालते हैं या नहीं डालते कोई मुझे नहीं पता, पर मैं डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है वैसे टमाटर डालने के बाद। और ये वाली दाल थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है, तो नींबू डाल लिया, एक नींबू डाल लिया पहले, देखती हूँ अगर खटास नहीं आए फिर दूसरा डालूंगी, ठीक है। ये देखिए बेटा डाल दिए नींबू और टमाटर, देखिए कितना प्यारा कलर आया, तो ये गलने के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए, ठीक है, कैप लगा देते हैं। ये देखिए बेटा चावल के लिए प्याज ब्राउन कर रही थी, अब इसमें थोड़ी सी जीरा डाल दूंगी मैं,
थोड़ी सी जीरा डाल दिया और ये थोड़ी सी चावल मैंने भिगो दिया था ये, और दाल पे बघार देनी है। दालचीनी डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, इसी में चावल उबालूंगे। हाँ, ये देखिए पानी डालना था इसमें। ठीक है, चावल पानी डाल दी चावल पे, यानी कि मैंने अभी इसमें जो है कितना 4 गिलास पानी का डाला, इस गिलास की 4 गिलास पानी का। अगर 1 गिलास छोटा गिलास है, ये देखने में पता नहीं बड़ा लग रहा है या नहीं, छोटा गिलास था। ये नमक डाल दिए इसमें, अब चावल पानी बॉईल होगा फिर चावल डालूंगी, ठीक है। चावल डालूंगी मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल डालूंगी। ये देखें दाल पक चुका है, बहुत मज़े की दाल है। बघार दे रही हूँ मैं अभी दाल को। ये देखें बघार के लिए प्याज ब्राउन हो रहा, और इसमें लहसुन डाल दिया थोड़ी सी। ये देखें लहसुन भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो सामने देख रहे हैं लहसुन और प्याज। अभी थोड़ी सी इसमें ज़ीरा डालूंगी बस, और ये भी बन रहा है, ठीक है। ये देखिए चावल, चावल अभी मैं दम पे रखूंगी। ये देखिए बघार के लिए प्याज, देखिए कितना प्यारा सा कलर आया। ये मैं अभी दाल में डाल दूँगी, ठीक है। धनिया थोड़ी सी पुदीना और हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। ये हो गई है सलाद है, और ये दाल भी तैयार है। ये देखें चावल, देखते हैं चावल निकल के नहीं रही, गरम हो रहा है। तैयार नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा कपड़ा गर्म हो रहा। ये देखें चावल कितना खिलता हुआ, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया, खिलता हुआ कलर, बहुत सॉरी, खिलता हुआ चावल। ये देखिए चावल कलर, मम्मा थैंक यू, मैं ये बनाया, ठीक है। बयान का फेवरेट है ना। हाँ, ये देखें अब प्यारा कलर आया। ये देखें खाना लग चुका है, आप लोगों को खाना खाना है तो जल्दी से आ जाए खा ले। मेरे चैनल अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि मेरे मुझे हौसला हो। आप लोग मेरी फैमिली है, जाहिर सी बात है आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने कर दिया, उनके बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके फिर मिलते हैं। मैं ये कोशिश ये होता है अच्छा से अच्छा करूँ, ताकि जो है आप लोगों को पसंद आए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।